शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुलुकियत उसूली एतबार से हजरत मुआविया के दौर में शुरू हुई, लेकिन जालिम मुलुकियत यजीद के दौर से शुरू हुई। अब जो दौर शुरू हुआ उसमें करबला भी है। हजरत हुसैन इब्न अली रजी अल्लाह तआला अन्हुमा, उनके साथी, उनके खानदान वाले किस तरह शहीद किए गए, और सिर्फ वही नहीं हुए, अब्दुल्ला इब्न जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा वो भी शहीद किए गए। हरम मक्का रंगीन हुआ खून से, उनकी लाश टंगी रही बहुत दिनों तक। मदीना भी नहीं बचा, वाकई हर्रा में मदीना की हुरमत जो है उसको बट्टा लगाया गया। ये दौरे मुलुकियत के सयाह कारनामे, हज्जाज के हाथों सैकड़ों ताबेई शहीद हुए। मुसलमानों का दौर तो अभी उरूज की तरफ जा रहा है, इस्लाम का दौरे गुरबत शुरू हो चुका है। इस्लाम और मुसलमानों को अलहदा अलहदा शह समझिए, साथ नहीं। पहले 30 बरस भी साथ थे, बल्कि हुजूर के 23 बरस भी शामिल कर लीजिए, पहली निस सदी जो है वो साथ साथ है। दीन का भी उरूज हो रहा है, साथ ही उम्मत मुस्लिमा का उरूज भी है। उसके बाद उम्मत मुस्लिमा तो चढ़ती जा रही है और दीन गिरना शुरू हो गया। वैसे ये बात ज़हन में रखिए कि वो कोई 2-4 दिनों में नहीं गिरा, खंडर बता रहे हैं इमारत अजीम थी। ये 6 मंजिला इमारत, शाह इस्माइल शहीद ने इस तरह को इस्तेमाल किया है। ये 6 मंजिला इमारत कोई 1000 बल्कि 1200 बरस में जाकर जमीन बोस हुई। आखिर में आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा सदका जारिया के तौर पर शेयर करें। अल्लाह आप सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। आमीन।